नमस्कार दोस्तों, समयधारा न्यूज चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में इस समय लोकसभा चुनाव का जोर है, सभी जगह बयान पर बयानबाजी चल रही है। सपा बसपा हो या कांग्रेस या फिर बीजेपी, कोई भी बयानबाजी में पीछे नहीं रहना चाहता। आखिरकार समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस के खिलाफ अपना जहर उगलना शुरू कर दिया, पर इसकी शुरुआत खुद कांग्रेस ने की है। उत्तर प्रदेश में एक समय राहुल और अखिलेश का साथ उत्तर प्रदेश का विकास कहलाता था। वहां नारा गूंजता था, यूपी को यह साथ पसंद है। 2 साल पहले का नजारा कुछ और था, अब 2 महीने पहले के बाद का नजारा कुछ और है। राजनीति में कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता और ना ही कोई अस्थाई दोस्त। चुनावी हवा बदलती है, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त। हम बात कर रहे हैं अखिलेश और राहुल के बीच नई सियासी जंग की। अखिलेश और राहुल के बीच की यह जुबानी जंग तब शुरू हुई जब राहुल ने सपा बसपा पर बीजेपी के खिलाफ न बोलने का बड़ा इल्जाम लगा डाला। राहुल ने कहा कि वे बीजेपी वालों से, यानी कि मोदी सरकार से डरते हैं, इसलिए वो मेरी चौकीदार वाले बयान का समर्थन नहीं करते। इस पर अखिलेश को तो गुस्सा आना लाजिमी था। इसके जवाब में अखिलेश ने पार्टी कार्यालय पर संवाददाताओं से कहा, वो कांग्रेस ही है जिसने मेरे और नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ सीबीआई का दुरुपयोग किया। जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ जनहित याचिका दायर की वो कांग्रेस ही है और लखनऊ में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के समय मौजूद था। मुझे किसी से कोई डर नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यह क्या हमें नैतिकता का पाठ सिखाएंगे जो खुद धोखेबाज हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने बयान दिया था कि सपा बसपा दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भयभीत है, क्योंकि उन्होंने अपने शासन के समय राज्य को गंभीर क्षति पहुंचाई है। बयानों का यह सिलसिला अब शुरू हो चुका है। देखते हैं यह लोकसभा चुनाव 2019 में यह बयानबाजी कहां और किसे कितना फायदा पहुंचाती है। दोस्तों, फायदा किसे भी हो, पर आप एक बात बिल्कुल न भूलें। लोकसभा चुनाव 2019 की चटपटी खबरों के लिए समय धारा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।